एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने रुतबे और अपने कार्य के चलते हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान बना, वह कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा का वंशज है, जिसे कहते हैं हुसैनी ब्राह्मण। हिंदुस्तान के भाईचारे की मिसाल पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसका जीता जागता उदाहरण है हुसैनी दत्त ब्राह्मण। यह एक ऐसा हिंदू समुदाय है जो कर्बला में मुहर्रम मनाता है। इसके लिए शहादत के उस दिन को याद कर अपनी आंखें नम करता है, तो दूसरी ओर दिवाली के दिए जलाकर चारों ओर भाईचारे की रोशनी की मिसाल देता है। वैसे तो हुसैनी ब्राह्मणों का इतिहास काफी पुराना है। लोग तो ये भी मानते हैं कि इनका संबंध महाभारत काल से भी जुड़ा है। ऐसी मान्यता है महाभारत के युद्ध के बाद अमरत्व अगर किसी को मिला था तो वो थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। मान्यताओं की माने तो युद्ध के बाद अश्वत्थामा वर्तमान तक भी जिंदा है और उसके बाद वह इराक जाकर बस गए थे। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा के वंशज जो बाद में दत्त ब्राह्मण या मोहियाल ब्राह्मण कहलाए, ये ब्राह्मणों में बेहद बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने पराक्रम के बलबूते अरब के कई राज्यों को जीतकर उन पर शासन किया। उन्हीं में से एक थे राजा राहिब से दत्त। जानकारों का ऐसा मानना है कि राजा राहिब से दत्त भी उसी काल में थे जब पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन का दौर था, और पैगंबर मोहम्मद साहब के बड़े एहसान थे राजा राहिब से दत्त पर। दरअसल उन्हें कोई संतान न थी, और जब संतान मांगने वो मोहम्मद साहब के सामने पहुँचे तो मोहम्मद साहब ने उनके नसीब में संतान न होने की बात कही, जिससे वो निराश हो गए। लेकिन मोहम्मद साहब के छोटे नाती इमाम हुसैन जी ने उनको 7 संतान होने का आशीर्वाद दिया, जिससे वो बहुत ही कायल हो गए। बात 680 ईसा पूर्व की है। उस दौर में हुसैन अर्थात मुसलमानों के प्रमुख खलीफा उम्मिया वंश के यजीद के समर्थकों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। कर्बला में हुए इस युद्ध में हुसैन अपने पिता और इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी दे गए। यजीदी सैनिक जीत के मद में इतराते हुए उनका सर अपने साथ लेकर दमिश्क की ओर बढ़े, तो ये सुनकर राजा राहिब दत्त बहुत दुखी हुए, और राजा राहिब से दत्त ने यजीदियों से इस बात का बदला लेने की ठानी। वो युद्ध कर यजीदी सैनिकों से हुसैन का सिर हासिल करने में कामयाब हो गए। जब राजा राहिब दत्त अपनी सेना के साथ आराम कर रहे थे, तभी यजीदी सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया। यजीदी सैनिकों ने राजा राहिब दत्त से हुसैन के सर की वापस मांग की, लेकिन राजा राहिब ने हुसैन का सिर लौटाने की बजाय अपने एक बेटे का सिर कलम कर उन्हें थमा दिया। यजीदी सैनिकों को शक हुआ तो उन्होंने वापस फिर से सर लौटाने की बात कही। तब एक एक करके राजा राहिब दत्त ने अपने 7 बेटों की कुर्बानी दे दी। इसके बाद जब यजीदी सैनिक नहीं माने तो हुसैन साहब ने राजा राहिब दत्त अत्यायी यजीदों से भिड़ गए और मुक्तहार के साथ मिलकर यजीदी सैनिकों से हुसैन की मौत का जमकर बदला लिया। इमाम हुसैन की शहादत और अपने सभी 7 बेटों की कुर्बानी में मोहियाल ब्राह्मणों ने कई दोहे तैयार कर पड़े। तभी से मुहर्रम पर इन दोहों को मुस्लिम और मोहियाल ब्राह्मण पढ़ते आ रहे हैं। दोस्तों, ये थी हुसैनी ब्राह्मण की कहानी। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।